यूरोपियन मिजरी कंटिन्यू फॉर बार्सिलोना, और बार्सिलोना लॉस्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। भाई जब से फर्स्ट लेग की लाइनअप अनाउंस हुई थी ना बार्सिलोना की यूनाइटेड के खिलाफ, जब से ही मुझे ये डाउट थे कि इस टीम ने ना कुछ होगा इस टाई के अंदर, क्योंकि आप अपनी बेस्ट टीम या बेस्ट बैक लाइन को किस तरह से क्यों रेस्ट दे रहे हो जब इतनी आपकी टॉप टीम से मैच है और वो इतनी फॉर्म में चल रही है, आप किस तरह से रेस्ट दे सकते हो? और आप अपने आप को क्या समझ रहे हो कि आप अपनी बैक फोर को रेस्ट दे के मार्कोस अलोंसो और इनको फर्स्ट लेग में खिला दो और उसके बाद आप 2 गोल कंसीड कर दो, जब आपको पता है कि बार्सिलोना जो है अपना, हमने तो जाके जीतना नहीं है अवे मैचों में जाके, जो कि अभी की बात नहीं है, तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, अवे मैच तो हमारे लिए पता नहीं क्या हो चुके हैं कि वहां से हमसे जीता ही नहीं जाता। अगर हम जीत भी रहे होते तो उसको हमने किसी न किसी तरह कोई ना कोई वजह ढूंढ के उसको बॉटल कर देना होता है, जो कि हम सालों साल से करते आ रहे हैं। और इस दफा भी हमने जाके वही खेला, फर्स्ट हाफ इतना अच्छा खेलने के बावजूद अपने आप को पूरे स्टेडियम और पूरी पिच के ऊपर इम्पोज करके इतने टेक्निकल और हर तरीके से कंट्रोल करा मैच को, और सेकंड हाफ में जाके वही बार्सा ने दिखा दिया कि एक बॉटलर क्लब अब इस वक्त हम बच चुके हैं। और बहुत दुख हो रहा है इस वक्त हार के यूनाइटेड से, क्योंकि और क्या चाहिए बार्सिलोना को या शाबी को, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इतनी गुड टीम, लेवनडॉस्की को भी लेकर आ गए, फरान टोरेस, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो शावी ने बोला वो लाके दे दिए, फिर भी इस तरह से ये परफॉर्मेंस आ रही है, और क्या एक्सपेक्ट करें हम शावी से? क्योंकि शावी, अगर बात शावी की जाए तो शायद तकरीबन 1.5 साल हो चुका है बार्सिलोना में आए हुए, और जो है यूरोपियन कॉम्पिटिशन में उनका रिकॉर्ड बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो है, कि कोई एक थर्ड टायर का कोच भी जो है इससे बेटर शायद बार्सिलोना को लेके कोच कर लेगा जो शावी कर रहे हैं यूरोपियन कॉम्पिटिशन में। खास तौर पर मुझे तो कोई मैच भी याद नहीं है कि उन्होंने कोई किसी बिग टीम को यूरोप में हराया हो, क्योंकि जो उनका जरा सा भी सेमी डिसेंट भी बिग मैच आ रहा है या कुछ भी जो यूरोप के अंदर, और वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। और यही वाला आज का ही जो ये यूनाइटेड से दोनों लेग थे, फर्स्ट हाफ में कैंप नू का एडवांटेज टीम भी नहीं ले पाई, और क्या नाम है शावी ने भी नहीं ले। शाह अपनी बेस्ट 11 खिलाओ जब आपको पता है कि आपने अवे मैच में जाके, और खास तौर पर इंग्लिश स्टेडियम में ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच है, आप किस तरह अपनी टीम को मेन प्लेयर्स को रेस्ट कर सकते हो? और आप फिर कहते हो कि मैंने लीग के लिए रेस्ट करा, लीग के लिए तो ज़रूरत इस वक्त तो नहीं है ना, जब आप ऑलरेडी 8 पॉइंट क्लियर, तो आपको उस वक्त रेस्ट देने की ज़रूरत क्या है? आपको कम से कम 2 या 3 गोल्स के साथ, कम से कम 2 गोल का एडवांटेज लेकर ओल्ड ट्रैफोर्ड आते, फिर अगर गोल्स पड़ भी जाते यूनाइटेड पे तो आपके पास कुछ चांस होता। आप आके जो है ड्रॉ कर कर आ रहे हो, और उसके बाद जो सेकंड लेग यहाँ पर हो रहा है उसमें आप, चलो आपके पास लीड भी आ गई, और सर्जियो रॉबर्टो ने, चले फर्स्ट हाफ में आपने 4 मिडफील्डर खिलाड़ी, सबसे बड़ी तो डरपोक आपकी ये अप्रोच थी कि आपने जो है एक फॉरवर्ड कम करके 4 मिडफील्डर खिला दी, चलो आपने खिला दी और फर्स्ट हाफ आपका निकल गया। जब उन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर दी, उन्होंने अपना वेगहॉर्स को निकाल के अपना एक अटैकर डाल दिया, आप फिर भी 70 मिनट तक आप रॉबर्टो को खिलाते रहे पिच पे, जबकि यूनाइटेड के पीछे बैक लाइन में यूनाइटेड मैच चेस कर रहा था शुरू के 10-15 मिनट में, और जो है इतने स्पेसिस थे पीछे, और हमारा कोई फॉरवर्ड था ही नहीं वहाँ पे क्यों जो उनको एक्सप्लोड करता उन स्पेसिस को। वहाँ पे सर्जियो रॉबर्टो खेल रहे थे और माशाल्लाह से उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने ही, फर्स्ट हाफ में जब सब सही खेल रहे थे तो सर्जियो रॉबर्टो और सब सही लग रहे थे, सेकेंड हाफ में जैसे ही गोल पड़ा पूरी टीम की शेप भी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया, और सब ने बिल्कुल अपना आप ही खो दिया कि करना क्या है। एक 18 साल का बच्चा दिखा रहा है कि किस तरह से मैच खेलना, ओल्ड ट्रैफोर्ड जैसे स्टेडियम में आके बाल्डे ने इतनी बिग परफॉर्मेंस दिखाई मैच के अंदर, और पूरे 90 मिनट तक एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करा कि जो यूरोपियन लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह से खेलना चाहिए, और उस बच्चे से सीखना चाहिए हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स को। और कुंडे की अगर बात करूँ राइट बैक पे, इतनी डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस थी आज के मैच में कि बिल्कुल शेमफुल परफॉर्मेंस थी कुंडे की तरफ से, उसको इतने बिग मैच में आके वो भी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से ओल्ड ट्रैफोर्ड में, एक बंदा जो उसने सही तरह से डिफेंड करा, ना लुक शो से डिफेंड हो रहा था, उसके बाद ग्रांचो बच्चा आई उससे वो तक नहीं रुक रहा, तो समझ से बाहर है वो क्या करेगा पूरा मैच। पूरा मैच उसने इतने डिजास्टर खेला, ऊपर से जो रॉबर्ट लेवनडॉस्की की तो परफॉर्मेंस की क्या बात करें, माशाल्लाह से जब से आए हैं वो गोल्स मारना हर चीज़ नहीं होती आपको, जब बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो तो बार्सिलोना में स्ट्राइकर का काम सिर्फ गोल्स मारना नहीं है, आपको जो है एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है, आपको डिफेंडरों से लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, आपको येलो प्रोवोक डिफेंडर्स को प्रोवोक करना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी ये चीज़ें बिल्कुल लेवनडॉस्की में नहीं है। अगर आप सिंपल तरीके से नंबर 9 बन के सीधे साधे बन के खेलोगे तो आपको हर कोई बुली करेगा, और यही आज के मैच में हुआ। कसेमिरो
लिजांड्रो मार्टिनेज वरान उनसे बुली हो रहे थे रॉबर्ट लेवनडोस्की। और जो है ओवरऑल अगर उनके अटैकिंग प्ले की बात करूं तो माशाल्लाह से जब वो डी के बाहर जब आते हैं और उनका बॉल जब भी आती है और अटैक हो रहा होता है दोनों विंग्स के ऊपर, उनको पास फाइंड करना ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारा क्या नाम है लुक डियोंग था पिछले साल, वो ज़्यादा बेटर कर लेता था ये सब चीज़ें। आपका काम सिर्फ गोल्स मारना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा भी दिखानी है, आपको एक्स्ट्रा काम भी करना है, आपको स्पेस की सेंस होनी चाहिए, किधर स्पेस बन रहा है, किधर अटैक हो रहा है, आपको वहां भी पासिस खिलाने हैं, आपको गेम भी खेलना है। बार्सिलोना का डिफरेंट वे है, बायर्न म्यूनिख की तरह थोड़ी खेलता बार्सिलोना, तो बार्सा का डिफरेंट स्टाइल है, आपको जो स्पेसिस है उसका फायदा लेना चाहिए। और रॉबर्ट लेवनडॉस्की वो बिल्कुल भी नहीं ले पाते मैच के अंदर, और ऊपर से शावी ने एक फॉरवर्ड भी कम खिलाया, तो जिसकी वजह से जो स्पेसिस बन भी रहते उसको बार्सा एक्सप्लॉयट नहीं कर पाया, क्योंकि यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में काफी चांसेस दिए बार्सा को कि बार्सा अपने आप को पूरा डोमिनेट कर सकता था 2 गोल लेके लीड की। लेकिन अब जो आपके फॉरवर्ड ही ना हो, आपको एक चलो पेनल्टी मिल गई रेफरी की तरफ से, सॉफ्ट थी लेकिन चले मिल गई, अब आपने एडवांटेज ले लिया उसका पेनल्टी का। लेकिन जब आपके पास दूसरे चांसेस बन रहे थे लेकिन एक फॉरवर्ड मिस कर रहा था बार्सा जो लैग हुई, क्योंकि रॉबर्ट लेवनडॉस्की को इतने चांसेस मिले नहीं, क्योंकि इतने अवे स्टेडियम में जाके आपको इतने चांसेस गोल मारने के लिए मिलेंगे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हॉस्टाइल एटमोसफेयर बना हुआ था ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर, तो काफी डिफिकल्ट होता है हर चीज के लिए, तो आपको अपना एक्स्ट्रा और एक गेम लाना पड़ता है। राफीने की बात करूँ तो माशाल्लाह से बिल्कुल 0/0 परफॉर्मेंस थी राफीने की तरफ से, बस बंदे पूरे करने के लिए खिलाया हुआ था ऐसा लग रहा है। और जो चांसेस उनको जब जब बॉल आ रही थी कोई ऐसा कोई कोई बिल्कुल 0 थ्रेट के साथ राफीने ने पूरा मैच खेला है। ठीक है, उसके बाद जब आपका बेस्ट प्लेयर पिछले मैच का फरान टोरेस जब वो इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई था, तो आपने उसको कैसे बेंच कर सकते हो? अगर आपने बेंच कर भी दिया तो आप उसको 60 मिनट में आप कर दो सब्स्टिट्यूट, आप एडवांटेज लो ग्रांचो और उनको सब्स्टिट्यूट मैनचेस्टर यूनाइटेड कर दिया, फिर जाके शावी को याद आ रहा है कि जब गोल्स खाने के बाद के फरान टोरेस को भेज रहा, फिर उसके बाद जब दूसरा एंथनी ने गोल मारा तो फिर जो है आंसू फाती और ये सब आ रहे हैं। और आंसू फाती का तो इस वक्त बिल्कुल कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है मैच में, ना फैंस को एक्सपेक्टेशन है फिलहाल, क्योंकि चलें कॉन्फिडेंट का मसला है क्या है, लेकिन बार्सिलोना को कॉस्ट पड़ गई इसकी वजह से, क्योंकि आप जब अपने बेंच प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बिग मैच के अंदर तो आपको चाहिए होता है कि वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करे, लेकिन वो एब्सोल्युटली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया आज एक बार फिर। ठीक है, अब जो है अगर शावी की अप्रोच की बात करें, अब शावी बातें माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने बार्सा को इस कंपटीशन में नहीं खेलना चाहिए, बार्सिलोना को यूरोपा लीग में होना नहीं चाहिए, हमें चैंपियंस लीग में होना चाहिए, मुझे गुस्सा आता है ये देख के कि हम किस तरह यूरोप में यूरोपा लीग में खेल रहे हैं। अरे भाई यूरोपा लीग में खेल रहे हो तो आप इसमें तो कम्पीट करो, यूनाइटेड को राउंड ऑफ 32 में तो हराओ, जब आप यही चीज नहीं जीत पाओगे, यही मैचेस नहीं जीत पाओगे, पिछले साल आप फ्रैंकफुर्ट से हार गए अपने होम में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब आपको बेटर करना चाहिए था ना इस सीजन, आप राउंड ऑफ 32 में माशाल्लाह से इस बार बिल्कुल फर्स्ट राउंड में कट रहे हो। तो और शावी जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस भी तो वो दिखाए ना उनकी टीम और वो खुद भी, खास तौर पर आप एक तो डरपोक अप्रोच के साथ जा रहे हो, आप जो है 4 मिडफील्डर खिला रहे हो ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर जाके, फिर आप करते हो कि मैं अटैकिंग खेलता हूँ, मेरी अटैकिंग टीम है, मेरी पोर टीम है, तो भाई जब आप ऑपोजिशन को डराओगे नहीं अपने फॉरवर्ड्स और इससे कि आपकी अप्रोच से, तो थोड़ी फर्क पड़ा टीम में। जाहिर सी बात है उनका होम स्टेडियम था, एक गोल पड़ा उसके बाद क्राउड बिल्कुल एडाप्ट हो गया और उन्होंने मसला हुआ बार्सा को जैसे वो सालों साल से होता आ रहा है, क्योंकि अवे है मैच में जाके बार्सिलोना बिल्कुल, अब तो ऐसा हो गया कि पहले तो चलो कैंप रूम में एडवांटेज ले लेता था बार्सा के गोल्स मार देता था, अब तो वो भी इस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ना बार्सा कैंप रूम में सही तरीके से जीत पा रहा है कंफर्टेबली, और अवे मैच में तो हमारे माशाल्लाह से रिकॉर्ड, चाहे वो पिछले प्लेयर्स भी हों तो वो जब भी ऐसे थे और अभी भी वो रिवायत बिल्कुल इसी तरह से चल रही है। तो भाई सारा ब्लेम तो नहीं लेकिन काफी सारा ब्लेम जाएगा शावी के ऊपर, क्योंकि शावी की जो अप्रोच थी, जो सब्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने लाइनअप्स खिलाई दोनों लेगों में, उसका सबसे बड़ा कसूर है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट लेग के अंदर आपको वो लाइनअप नहीं खिलानी चाहिए थी, जब आपको पता है मेरी टीम इतनी कमजोर है वो अवे मैचेस में नहीं जीत पाती जाके और रिएक्ट नहीं कर पाती गोल पड़ने के बाद, और इस दफा भी यही हुआ जब पहला यूनाइटेड ने गोल मारा, फ्रेट से गोल खा रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए नो डाउट, फ्रेट से कौन, फ्रेट से कैसे गोल खा सकता है यूनाइटेड के, आप जब रैशफुट को कुछ नहीं करने दे रहे, आप सैंचो को कुछ नहीं करने दे रहे, आप उसके फ्रेट से गोल खा रहे हो यार, बिल्कुल शर्म की बात है ये, बिल्कुल बार्सिलोना के डिफेंड के लिए भी, और क्या नाम है एज अ टीम हमें शर्म करनी चाहिए कि हम फ्रेट से, और माशाल्लाह टेर स्टेगन की अगर बात करूं तो लास्ट अगर मुझे उनकी कोई सेव याद हो कि जो हिस्टोरिक सेव या जिसकी वजह से बार्सा को कुछ फायदा हुआ यूरोप के अंदर, तो
वो रॉबर्ट लेवनडोस्की की ही थी बायर्न म्यूनिख में, अदरवाइज यूरोपियन कंपटीशन में तो मुझे उनकी कोई परफॉर्मेंस याद ही नहीं है काफी सालों से। और एक बार फिर आज लीग में दिखा के 7 गोल जिस कीपर ने खाए हुए हैं उससे आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हो, जो कि आज स्टेरिसन के 2 शूट्स पड़े और माशाल्लाह उन्होंने दोनों में कुछ एक्स्ट्रा, उन्होंने कुछ नहीं करा कि कोई, जब आप इतने बेस्ट गोलकीपर चल रहे सीजन के लीग के अंदर तो आपको कुछ ना कुछ अपनी टीम को सेव करके दिखानी पड़ती है कि आपको गेम में रखना पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल दोनों शॉट्स उनके हाथ के करीब से निकल गए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। एरिक टेन हाग को क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन एरिक टेन हाग ने इसी साल में आके इस तरह से अपनी टीम को कम्पीट करवाया दोनों लेगों में, खास तौर पे कैम्प नू में, क्योंकि इंग्लिश टीम्स इस तरह से जाके कैम्प नू में नहीं खेलती जिस तरह से एरिक टेन हाग की टीम ने खेला, तो काफी क्रेडिट एरिक टेन हाग को जाता है। लेकिन शावी ने की टीम ने फर्स्ट हाफ जिस तरह से खेला था, काफी टेंशन में एरिक टेन हाग और टीम आ चुकी थी इस वक्त, क्योंकि टीम रिएक्ट नहीं कर पा रही थी उनकी और कुछ भी चांसेस नहीं बना पाया यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में। लेकिन बार्सिलोना किस तरह से ड्रॉप इंटेंसिटी ड्रॉप कर सकता है सेकेंड हाफ में, समझ से बाहर है। जब आप एक टीम के ऊपर मेंटली हावी हो चुके थे फर्स्ट हाफ में तो आपको उस तरह कंटिन्यू करने चाहिए था, किस तरह से आपने फिर वही अपनी मेंटेलिटी दिखाई और आके, क्योंकि अगर सालों साल से ही चलता आ रहा है, अब भाई ये प्लेयर्स का मसला है किसका मसला है समझ से बाहर है मेरी। अब जो भी है बार्सिलोना को सॉर्ट आउट करना चाहिए, हम लोग फैंस एज अ फैन बिल्कुल ख्वार हो चुके हैं इसी चक्कर में, क्योंकि जब हमारी यूरोपियन नाइट्स आती हैं बार्सिलोना क्लब के फैंस और बिल्कुल ऐसा कुछ टीम से जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन होती हैं, अब दिन ब दिन जो है बदतर से बदतर ही हुआ जा रहा है। एक तो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस पार नहीं हो रहे, पार नहीं हो रहे तो चलो यूरोपा लीग में आ रहे, यूरोपा लीग में भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल शेमफुल है। कोई क्लब की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक एक ऑनर होता है खेलते हुए, बंदे को उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और अपने ए लेवल का गेम लेकर आना चाहिए गेम मैच के अंदर, और जो कि बार्सिलोना वो उस तरह से नहीं कर पा रहा, काफी साल हो चुके हैं। अब ये कब एंड होगा समझ से बाहर है। फिर बंदा इस तरह की बातें ना करे, शाबी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये क्लब डिजर्व नहीं करता यूरोपा लीग। जब आप कह दो कि मेरा क्लब डिजर्व नहीं करता यूरोपा लीग, तो आप जब इस कंपटीशन में आ गए तो आप उस लेवल का कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाओ। आप फर्स्ट लेग में भी ड्रॉ कर कर आ गए मैच अपने होम में, आपने होम एडवांटेज नहीं लिया, उसके बाद जो है सेकेंड लेग में आपने डरपोक अप्रोच के साथ 4 मिडफील्डर खिला दिए, तो आप अपने आप को भी तो देखो ना, आप किस तरह से क्या क्या टैक्टिकली आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, समझ से बाहर है ये हरकत। तो भाई मैं यही बोलूंगा, अब लीग बची है खाली, कोपा डेल रे के 2 मैच आ रहे हैं रियाल से।